काल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। जय श्री महाकाल। यात्रा शुरू करने से पहले मैं आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। शिव पुराण की कथा के अनुसार उज्जैनी में चंद्रसेन नाम का राजा शासन करता था, जो शिव भक्त था। भगवान शिव के गढ़ों में से एक मणिभद्र से उसकी मित्रता थी। एक दिन मणिभद्र ने राजा को एक अमूल्य चिंतामणि प्रदान की, जिसको धारण करने से चंद्रसेन का प्रभुत्व बढ़ने लगा। यश और कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे राज्यों के राजाओं में उस मणि को पाने की लालसा जाग उठी। कुछ राजाओं ने चंद्रसेन पर हमला भी कर दिया। राजा चंद्रसेन वहां से भागकर महाकाल की शरण में आ गया और उनकी तपस्या में लीन हो गया। कुछ समय बाद वहां पर एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे साथ वहां पहुंची। बालक राजा को शिव भक्ति में लीन देखकर प्रेरित हुआ और वे भी शिवलिंग की पूजा करने लगा। बालक शिव आराधना में इतना लीन हो गया कि उसे माँ की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी माँ उसे भोजन के लिए बार बार आवाज लगा रही थी। बालक के ना आने पर गुस्साई माँ उसके पास गई और पीटने लगी। शिव पूजा की सामग्री भी फेंक दी। बालक माँ के इस व्यवहार से दुखी हो गया। तभी वहाँ पर चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहाँ एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया, जिसमें दिव्य शिवलिंग भी था और उस पर बालक द्वारा अर्पित की गई पूजा सामग्री भी थी। इस तरह से वहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई और इस घटना से उस बालक की माँ भी आश्चर्यचकित हो गई। छिप्रा या शिप्रा मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक नदी है। ये भारत की पवित्र नदियों में से एक है। उज्जैन में कुंभ का मेला इसी नदी के किनारे लगता है, जो कि सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। ये इंदौर के उज्जैनी मुंडला गांव की ककड़ी बड़ली नामक स्थान से निकलती है। 196 किलोमीटर के बाद मंदसौर में चंबल नदी में मिल जाती है। छिप्रा शब्द का प्रयोग पवित्रता, आत्मा, भावना, शरीर आदि या पवित्रता या स्पष्टता के रूप में किया जाता है। छिप्रा नदी भारत की उन पवित्र नदियों में से एक है, जिसे लोग पूजते हैं और जिससे जुड़ी कई रोचक कथाएं भी प्रचलित हैं। कुछ लोगों का ये मानना भी है कि छिप्रा की उत्पत्ति वराह के हृदय से हुई थी और भगवान विष्णु ने एक स्वर के रूप में अवतार लिया था। इसके अलावा छिप्रा के तट पर ऋषि संदीपनी का आश्रम या आश्रम है, जहाँ भगवान विष्णु की आरती। हमारी यात्रा शुरू होती है झीलों की नगरी भोपाल से महाकाल की नगरी उज्जैन के लिए। सबसे पहले हम पेट्रोल पंप पर जाकर गाड़ी की टंकी फुल करा लेते हैं और फिर चेक करा लेते हैं गाड़ी की हवा। ओ भैया, पहुंच तो जाएंगे ना। फिर हम निकल जाते हैं उज्जैन के लिए। उस दिन मौसम काफी अच्छा था। फिर हम होटल श्री ममाया में कुछ देर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। ये वहाँ का रिसेप्शन है और हम कुछ देर बाहर इंतजार करते हैं जब तक हमारा रूम साफ हो रहा है। होटल में कुछ देर आराम करने के बाद हम निकल जाते हैं महाकालेश्वर कॉरिडोर के लिए, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। लेकिन अधिक भीड़ होने के कारण हमारी गाड़ी वहां तक नहीं पहुंच पाई, तो बाकी का रास्ता हमें थोड़ा सा पैदल और बाकी का रास्ता ऑटो के साथ तय करना पड़ा। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं महाकालेश्वर कॉरिडोर। यहाँ की सुंदरता, यहाँ की लाइटनिंग बहुत ही मन को आकर्षित करने वाली थी। और जिस प्रकार कॉरिडोर में हमारे सनातन का इतिहास प्रदर्शित किया गया है, वो भी सराहनीय था। यहाँ पे बहुत ही मन को और आंखों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली प्रतिमाएं और भगवान की मूर्तियां थी, जिनसे आंखें हट ही नहीं रही थी। बहुत ही सुंदर नजारा था। बीच में शिव जी बैठे हैं और चारों ओर पानी है। ये मुझे अत्यंत ही सुंदर लगा। यहाँ पे लाइटनिंग चेंज हो रही है। पहले तिरंगा था,
अब ये अलग कलर हो गया है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत ही सुंदर नजारा था। कॉरिडोर देखने के बाद हमने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। बहुत ही सुंदर शिव जी थे। अफसोस है कैमरा अलाउ नहीं होने के कारण मैं आपके वहां के दर्शन नहीं करवा पाया। दर्शन करने के पश्चात हम होटल वापस आ जाते हैं क्योंकि हमें सुबह काल भैरव मंदिर के लिए निकलना था। भगवान काल भैरव का मंदिर चिप्रा नदी के किनारे भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान काल भैरव की प्रतिमा को शराब का भोग लगाया जाता है। आश्चर्य की बात है कि देखते ही देखते वह बर्तन जिसमें मदिरा का भोग लगाया जाता है खाली हो जाता है। यह शराब कहाँ जाती है आज भी यह रहस्य ही बना हुआ है। कई वैज्ञानिक इसकी खोज कर चुके हैं। यहाँ रोज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और इस चमत्कार को वह अपनी आंखों से ही देखते हैं। काल भैरव को शराब अर्पित करते समय हमारा भाव यही होना चाहिए कि हम हमारी समस्त बुराइयां भगवान को समर्पित करें और अच्छाइयों के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। और हम सुबह पहुंच जाते हैं काल भैरव के मंदिर। वहां के दर्शन हमें बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं। बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलती है। मैं भी आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप भी सुबह 5 बजे के लगभग वहां पहुंच जाएं ताकि आपको भी बहुत ही आराम से दर्शन मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही तीर्थ स्थलों के बारे में जानकारी मिलती रहे तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।